पिछले दिनों प्रयागराज न्यायालय द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के संबंध में केंद्र सरकार को दिए गए सुझाव के समर्थन में ब्राह्मण समाज भी उतर गया है। ब्राह्मण समाज बागली के पदाधिकारियों ने बागली समीप स्थित भौम्या जी मंदिर परिसर में एकत्रित होकर सोमवार के दिन बैठक आयोजित कर प्रयागराज न्यायालय के सुझाव से सहमत होकर केंद्र सरकार से इस महत्वपूर्ण निर्णय पर शीघ्र विचार करने की बात दोहराई। पंडित कनिष्क द्विवेदी ने बताया कि गोवंश के संरक्षण से ही देश आगे बढ़ेगा। गोमाता का वैदिक पौराणिक महत्व होने के साथ सामाजिक उपयोगिता भी है। गो माता की सुरक्षा से ही देश की गति सुधरेगी। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। गो माता की जय। इलाहाबाद प्रयागराज उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है अभी निर्णय लिया है कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उस फैसले का हम सभी लोग ब्रह्म समाज हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। और ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है कि जो वर्तमान सरकार है वो इस सुझाव के ऊपर अमल करेगी और गाय को राष्ट्रीय पशु शीघ्र ही घोषित करेगी और गाय के उत्थान के लिए जो है बहुत अच्छा कार्य करेगी, ऐसा पूरा विश्वास है हम सभी का। और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित जो है शीघ्रता पूर्वक किया जाए, उसमें विलंब न किया जाए, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उससे ऐसी सभी की अपेक्षाएँ हैं कि वो गाय की रक्षा के लिए आगे बढ़ेगी। और अब तो जो है प्रयागराज उच्चतम न्यायालय जो है उसने भी इसके लिए आगे पहल की है, तो इसमें तो कोई विलंब होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृत सनातन धर्म जो है अपना उसमें गाय का विशेष महत्व है। गाय के अंदर सारे देवी देवताओं को हम लोग मानते हैं कि इनके अंदर सारे देवी देवता हैं। योग से आज गोवत्स द्वादशी भी है, ठीक है ना, उसका पूजन होता ही है। और इसके समीप ही जो निर्णय आया है ये बहुत ही अच्छा है, स्वागत योग्य है, और आगे जो है सरकार इसके लिए कार्य करेगी, ऐसी हमारी सभी की शुभेच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।